हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही कमाल की टिप्स जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान बना देंगे। आपको मिठाइयाँ बनानी है या फिर कोई चटनी वगैरह बनानी है तो आप इस तरह से पहले से तैयारी कर लेंगे तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा, समय की बचत भी हो जाएगी और आपके काम भी बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले से तैयारी करने से बहुत ही ज़्यादा समय बच जाता है। सबसे पहले बनाएंगे घर में डेसिकेटेड कोकोनट, और घर में हम जो कुछ भी तैयार करते हैं वो फ्रेश होता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर हमने नारियल लिया था, इसे हम छील लेंगे इस तरह से, जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है वो छील कर ही हम बनाएंगे। तो जैसे मार्केट में बनता है ना डेसिकेटेड कोकोनट, वैसे ही हमारा बन के तैयार होगा और जो छीलने के बाद बचेगा इससे हम चटनी वगैरह बना सकते हैं। तो इसे हम छोटा वाला ग्रेटर लिया है, यहाँ पर हम एकदम बारीक वाला जो नारियल का बुरादा रहता है वो तैयार करेंगे। तो इस तरह से इसे ग्रेट कर लेंगे, और यदि आप चाहें कि हमें इस तरह से इसे ग्रेट नहीं करना है तो आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें नारियल के और मिक्सर जार में डालकर पीस लें इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत ही जल्द बन जाएगा और एकदम बारीक वाला जो रहता है ना पाउडर वाला वो तैयार हो जाएगा बनकर। और पहले से आप बना कर रख लेंगे तो जब भी आपको मिठाइयाँ या खीर वगैरह बनानी है तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मार्केट जैसा नारियल का बुरादा बनके तैयार हो गया है डेसिकेटेड कोकोनट, और जो हमारा ये बच गया है तो इसे हम चटनी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से भुट्टे वगैरह आते हैं तो इससे हम जो फ्रेश भुट्टे आते हैं इससे स्वीट कॉर्न वगैरह बच्चों को बनाते हैं या फिर पकौड़ी बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें, मिठाइयाँ भी इससे बहुत ही बढ़िया बनती हैं। इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि जो भुट्टे से हलवा वगैरह कैसे बनाएं। तो इसे इस तरह से आप पहले चाकू से बीचों बीच से कट कर लें, इसके बाद आप निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत सारे आप भुट्टे से दाने निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसान हो जाता है और ये आसानी से निकल आते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से निकल रहे हैं, और आप यदि कट नहीं करेंगे तो ये आसानी से नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से दिक्कत भी नहीं होती और बहुत सारे एक साथ निकल आते हैं। तो कभी कभी घर में हम भुट्टे से कोई भी रेसिपी तैयार करते हैं तो इन्हें आप इसी तरह से बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से इन्हें निकाल सकते हैं दानों को। तो यहाँ पर सारे ही दाने बहुत ही जल्द निकल कर तैयार हो गए हैं और ये टूटते हुए नहीं हैं और सारे ही निकल आते हैं इस तरह से। तो आप जो भी चाहें इससे रेसिपी तैयार कर सकते हैं, और इससे बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बर्फी मिठाई कैसे बनाएं ये आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। और इसके बाद आपको चटनी वगैरह बनानी है खट्टी वाली, मीठी वाली, इमली से, तो वो कैसे पल्प तैयार पहले से कर लें और इसके बाद आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे ही भुट्टे के दाने निकाल लिए हैं, अब हम इमली की चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम इमली की चटनी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो इमलियाँ ली थी उन्हें 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। तो ये अच्छे से इस तरह से भीग गई हैं, गल गई हैं। तो अब हम इन्हें पहले सबसे पहले हाथों को अच्छे से साफ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और जो पल्प है वो हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सारा ही यहाँ पर मिक्स तैयार हो गया है इस तरह से, यहाँ पर जो पल्प है वो हमने निकाल लिया है, और जो इमली वगैरह है उसे इस तरह से निचोड़ते हुए निकालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, इससे जो एक्स्ट्रा पल्प होगा वो भी हमारा निकल आएगा। और जो इमली वगैरह बच गई है इससे आप पीतल के, तांबे के बर्तन साफ कर सकते हैं, वो बहुत ही बढ़िया नए जैसी चमक जाएंगे। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाथरूम वगैरह में जो नल हैं या सिंक वाले तो वो भी आप साफ़ कर सकते हैं, तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पल्प तैयार करेंगे, तो इसके लिए सारा ही जो एक्स्ट्रा है इमली का पल्प वो एक बर्तन में ले लेंगे, और जो इमली वगैरह बीज वगैरह है वो हटा देंगे, और इसका हम इस्तेमाल घर के कामों में कर लेंगे साफ़ सफाई के लिए। इमली की खटाई से बहुत ही बढ़िया बर्तन एकदम चमक जाते हैं।
तो यहाँ पर सारा ही पल्प हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इसके बाद एक स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेंगे। जो बीज वगैरह छिलके वगैरह एक्स्ट्रा में रह गए होंगे वो सारे छनकर ऊपर आ जाएंगे और हमें एकदम प्योर पल्प मिल जाएगा। जिस तरह से मार्केट में पल्प यह इमली का पल्प आता है ना, वैसे ही ये बनकर तैयार होगा। और इसे आप एक बार बनाकर रख लें, इससे फिर आप खट्टी मीठी तीखी वाली या जिस तरह की अलग अलग तरह से इमली की चटनियाँ बना सकते हैं। और पहले से तैयार होगा तो इमली की चटनी बहुत ही बढ़िया और आसानी से बन जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। घर में फिर बहुत ही बढ़िया और टेस्टी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। तो इसे इस तरह से छान लेंगे और यदि ज़्यादा गाढ़ा पल्प लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। तो इसे हमने छान लिया है और इसमें जो एक्स्ट्रा छिलके वगैरह रह गए थे थोड़े से, तो वो निकल आएंगे। तो ये सब हम यदि पहले से तैयारी करके रखेंगे तो हमारे बहुत से काम आसान हो जाएंगे। तो इसे हम अच्छे से छानेंगे और थोड़ा सा पानी है, यदि आप एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना चाहते तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो पहले हमने पल्प तैयार किया है तो उसी से इस तरह से निकल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो इम्प्योरिटीज़ थी हमारे पल्प में वो निकल कर आ गई हैं, बीज वगैरह। इसे थोड़ा सा इस तरह से स्पून से दबा दबा कर हम सारा ही पल्प निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पल्प निकल कर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे आप इस तरह से फ्रिज में रख दें और इसे थोड़ा सा गर्म करके लगभग 5 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे और ठंडा करके फ्रिज में रख लेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा इमली का पल्प बनके तैयार है और इससे हम चटनियाँ वगैरह बनाकर तैयार कर सकते हैं। यदि आपको चाट, पानी पूरी, पकौड़ी वगैरह बनानी है तो इसके लिए आप झटपट से इमली की चटनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग तरह से चटनियाँ बनाई जाती हैं। तो पहले से आप इस तरह से पल बनाकर रखेंगे तो इससे बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।